नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन और स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, यदि आपके फार्म पर अमोनिया गैस बनती है, मुर्गी फार्म पर जो है बदबू की समस्या बनी रहती है, बिछावन में जो है नमी रहती है और आपके फार्म पर मक्खियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो जब भी आपके फार्म पर इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आता है तो उसका समाधान कैसे करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ज़्यादातर ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में मुर्गी फार्म पर अमोनिया गैस बनने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बनी रहती है, जिसके कारण फार्म पर जो है बहुत ज़्यादा बदबू होती है और फार्म पर जो है जो लीटर रहते हैं उसमें जो है नमी आ जाती है। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि कभी कभी फार्म पर जो है मक्खियों की समस्या जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, जब भी आपके फार्म पर इस प्रकार से प्रॉब्लम्स रहती है तो उसका टेम्पररी सॉल्यूशन ये रहता है कि आपके पास जो चूना रहता है पाउडर फार्म में, उसका हम लीटर पर छिड़काव कर देते हैं, तो जिससे कुछ हद तक तो अमोनिया गैस का बनना बंद हो जाता है, बिछावन में जो नमीपन थी वो जो है ड्राइनेस में बदल जाता है। परंतु ये 5 से 7 दिन तक ही चलता है, उसके पश्चात फिर से ये प्रॉब्लम्स आना जो है शुरू हो जाता है। अगर दोस्तों आप इस प्रॉब्लम से परमानेंट समाधान चाहते हैं तो आपको यह इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नाम है ऑल क्लीन सरफेस, यह जो है वीरबेक कंपनी की है। यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वीरबेक कंपनी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है एक पाउडर फॉर्म में रहता है, 1 किलो का इसमें पाउडर फॉर्म में मिलेगा और 1 लीटर का इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यह जो पैकिंग है जो 1-1 किलो का आता है, तो ये पूरी पैकिंग जो है 5000 बर्ड्स के फार्म के लिए रहता है। यदि आपके पास 10000 बर्ड्स का फार्म है तो ऐसे ही आपको 2 प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आपके पास कम संख्या में है तो आपको कैलकुलेशन कर लेना है और अपने फार्म पर इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इसके साथ में आपको जो है एक फेस मास्क और जो है 1 जोड़ी ग्लव्स आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ग्लव्स और फेस मास्क को ज़रूर लगा लीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारे पास कितने भी कैपेसिटी की फार्म हो, उसके हिसाब से हमें जो है कैलकुलेशन कर लेना है और बराबर बराबर मात्रा में लिक्विड और पाउडर को ले लेना है और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। जैसे किसी पात्र पर, धमेला वगैरह पर या किसी बर्तन पर आप रख करके मिला लेंगे, और उसके पश्चात जिस प्रकार हम चूने का छिड़काव करते हैं अपने बुरादे के ऊपर, लीटर के ऊपर, उसी प्रकार से इसका भी छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के पश्चात हमें जो है लीटर को पलट देना है, मतलब अच्छे से बुरादे का जो है रैकिंग कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके फार्म पर जो अमोनिया गैस बनने की प्रॉब्लम है, बदबू की प्रॉब्लम है, बिछावन में नमी की समस्या है और मक्खियों की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था एक छोटी सी जानकारी, और इसी तरह से मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी, मुर्गी में होने वाले बीमारी और उसके इलाज से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।